राम राम भाई। तो आज अपने सामने खड़ी है 2023 टोयोटा अर्बन क्रूजर हायर्ड। ये इसका बेस वेरिएंट यानी कि ई वेरिएंट, और ये जो कलर है भाई ये है मिडनाइट ब्लैक। इस कलर के साथ ये जो है काफ़ी शानदार लग रही है। और इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है भाई वो है 10,73,000 रुपये, और ऑन रोड ये 36 टोयोटा पलवल में आपको मिल जाएगी भाई 12.5 लाख रुपये के आसपास। अब इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी क्या क्या चीज़ ऑफर करती है उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले भाई मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे भाई पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने मिल जाता है भाई ये टोयोटा का लोगो, और इसकी जो ग्रिल है भाई वो दे रखी है पियानो ब्लैक कलर में, और क्रोम का जो इसमें एलिमेंट दे रखा है ये काफ़ी अच्छी लग रही है। नीचे भाई इसकी जो रेडिएटर ग्रिल है वो भी आपको पियानो ब्लैक में मिल जाती है। उसके नीचे मिल जाती है भाई ग्रे कलर में इसकी स्किड प्लेट। हेडलाइट्स की बात करते हैं भाई, ये मिल जाता है भाई आपको इसका हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर, हाई बीम और लो बीम के लिए यही काम करेगा। और पियानो ब्लैक में इसकी जो फिनिश दे रखी है, मतलब जो है एक तरह से ऑल ब्लैक इसकी जो थीम है। ऊपर मिल जाते हैं भाई आपको इसके DRLs, और यही जो है भाई इंडिकेटर्स का भी काम करेंगे। फॉग लैंप वगैरह कोई है ही नहीं जो कि, और भाई ये इसकी सामने से कुछ लुक। एक बार बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस की, तो भाई 1795 mm इसकी विड्थ। चलते हैं साइड में, और भाई 1645 mm आपको मिल जाती है इसकी हाइट। लेंथ मिल जाती है भाई आपको इसकी 4365 mm की। इधर चलते हैं भाई, भाई टायर प्रोफाइल की पहले बात करते हैं। तो आपको इसमें जो है भाई ये 17 इंच के जो है नॉर्मल स्टील रिम्स मिलते हैं, और जो रिम है भाई ये जो है ग्लॉसी सिल्वर में दे रखी है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। 17 इंच के इसमें टायर हैं, अपोलो के टायर हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और व्हील बेस मिल जाता है भाई आपको इसमें 2600 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है भाई 210 mm का। ब्लैक कलर के साथ ये जो मैट ब्लैक में भाई क्लैडिंग दे रखी है ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इधर भाई मैट ब्लैक में आपको इसकी स्कर्टिंग मिल जाती है, और भाई चारों टायर्स में आपको इसमें मिल जाते हैं भाई डिस्क ब्रेक्स, ये भी काफ़ी अच्छा है। इधर मिल जाता है भाई इसका ORVM, बॉडी कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ORVM पे इधर का भाई टर्निंग इंडिकेटर, और इसका जो ए पिलर है भाई वो मिलता है आपको बॉडी कलर, बी पिलर भी बॉडी कलर मिलता है, और इधर दे रखा है एक छोटा सा क्वार्टर ग्लास, और जो सी पिलर है वो भी भाई आपको बॉडी कलर मिलता है। इधर भाई इसके डोर हैंडल्स जो है वो भी आपको बॉडी कलर मिलते हैं, और डोर हैंडल पे दे रखा भाई रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड भी शायद ये होगा, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। चलते हैं भाई इसके पीछे, ये भाई इसके पीछे से लुक बात करते हैं इसके बारे में। पीछे में भाई ये टोयोटा का लोगो, ये जो है ग्लॉसी सिल्वर में इसकी फिनिश दे रखी है। ऊपर ग्लास पे भाई आपको रियर वाइपर तो नहीं मिलता, लेकिन बेस मॉडल में आपको जो है डीफॉगर दे रखा है। ऊपर मिल जाता भाई ये पियानो ब्लैक में इसका शार्क फिन एंटीना। इधर हो गया ये हाई माउंट स्टॉप लैंप। इधर भाई अर्बन क्रूजर हाइडराइडर की बैजिंग। इधर मिल जाती है आपको इसकी वेरिएंट की बैजिंग ई नियो ड्राइव। और इसकी टेल लाइट्स की बात करते हैं भाई, पूरा जो है LED में सेटअप है। ये जो है भाई ब्रेक लगने पे और रात में जलेगा, और इसके जो रिवर्स लैंप वगैरह इंडिकेटर वगैरह वो इधर नीचे दे रखे हैं। इधर हो गया रिफ्लेक्टर, ये हो गया भाई रिवर्स लैंप, और ये हो गया इसका टर्निंग इंडिकेटर। इधर भाई ग्रे कलर में आपको इसकी मिल जाती है रियर स्किड प्लेट, और ये भाई इसकी रियर से लुक काफ़ी अच्छी लग रही है, शानदार लग रही है। ब्लैक कलर में जो भाई गाड़ी एकदम जच रही है। अब चलते हैं भाई इसकी फ्रंट सीट पे, और दिखाते हैं आपको आगे की बात। सबसे पहले भाई इसका जो इंटीरियर है वो आपको भाई फुल ब्लैक में मिलेगा, बस थोड़ा बहुत जो है ना सेटन क्रोम का जो है इसमें यूज़ किया गया है, काफ़ी शानदार लग रहा है। और सबसे पहले भाई डोर ट्रिम की बात करते हैं। इधर आपको मिल जाता है भाई ये सॉफ्ट टच, ये जो पूरा है ये हार्ड प्लास्टिक है। इधर भाई सिल्वर ग्लॉस की फिनिश। क्रोम में मिल जाता है आपको इसका डोर हैंडल, चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ड्राइवर साइड वन टच ऑटो डाउन एंड अप, लॉक अनलॉक ये विंडोज़ को लॉक करने के लिए। और इसके जो ORVM है वो भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं और फोल्डेबल भी हैं। नीचे मिल जाता है भाई आपको एक बॉटल होल्डर, और इधर मिल जाती है मैप पॉकेट। इसमें भाई आपको दो स्पीकर मिलते हैं, हालांकि इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो है दो स्पीकर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। सीट्स देखते हैं भाई, ये है भाई इसकी सीट्स। सीट जो है नॉर्मल आपको फैब्रिक में मिलती हैं, लेकिन बेस मॉडल में आपको मिल जाता है भाई हाइट एडजस्टमेंट का इसमें फीचर। तो उसके हिसाब से ये इसकी जो सीट्स हैं वो भाई 6-way मैनुअल एडजस्टेबल सेटिंग के साथ आपको इसकी सीट्स मिल जाती हैं। इधर मिल जाते हैं भाई आपको ये ड्राइवर एंड को ड्राइवर दो हेडरेस्ट, दोनों के दोनों जो है एडजस्टेबल हैं। चलते हैं भाई अंदर,
तो भाई ये इसका स्टेयरिंग, स्टेयरिंग जो है भाई आपको सिंपल सा मिलता है, कोई भी इस पर लेदर वगैरह नहीं है। इधर ये भाई कंट्रोल्स दे रखे हैं इंफोटेनमेंट के, हालांकि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता। जैसे आप इसको कंपनी से लगवाओगे ना तो वो इसको भाई यहाँ से सेट कर देंगे, मतलब यहाँ से भी फिर आप इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। स्टेयरिंग पे भाई बीच में मिल जाता है टोयोटा का लोगो। इधर देखिए एयरबैग की बैजिंग, और इसमें जो है ना भाई आपको दो एयरबैग मिल जाते हैं, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, और जो भी सेफ्टी फीचर होगा वो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा भाई, देख लेना। स्टेयरिंग देखते हैं भाई, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस के साथ आपको इसका स्टेयरिंग मिलता है। और भाई ये है इसकी कुछ चाबी, लॉक अनलॉक और कीलेस एंट्री का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। और इसके भाई ये है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसको करते हैं ऑन। ये हो गया भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन, इसके बारे में बात करते हैं भाई। इधर हो गया भाई ये इसका टैकोमीटर, इधर हो गया स्पीडोमीटर, बीच में भाई ये छोटी सी दे रखी है MID जो आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह देगी। इधर हो गया भाई ये फ्यूल गेज के लिए, सीट बेल्ट वार्निंग, और इधर जो है इंजन टेम्परेचर। इधर भाई ये क्लॉक भी दे रखी है, और ये है कुछ इसका पूरा मामला। और एक चीज़ जो भाई मुझे बहुत अच्छी लगी, बेस मॉडल में इसमें दे रखा भाई पुश स्टार्ट बटन, जो कि भाई मुझे नहीं लगता किसी और गाड़ी के बेस मॉडल में आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे दे रखा भाई इसके हेडलाइट्स के लेवल को एडजस्ट करने के लिए बटन, यहाँ से आप इसके हेडलाइट्स के जो लेवल है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर मिल जाता है आपको इसका AC वेंट, और AC वेंट की जो फिनिश है भाई वो मैट ब्लैक में है। और ये है भाई इसके ब्लोअर की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए। ऊपर भाई डिफ्यूज़र भी मिल जाता है। और इधर चलते हैं भाई, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह तो आपको इसमें नहीं मिलता। ये दे रखे हैं इसके AC वेंट के ऊपर जो है भाई सेट इन कोम, बीच में दे रखा भाई ये हजार्ड का बटन, ये जो पूरा जो सिस्टम भाई ये मैट ब्लैक में है। नीचे आपको मिल जाता है भाई इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब ऑटोमेटिक AC, और AC का जो फ्लो है वो आप ऐसे ऐसे जो है सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है भाई। इधर की बात हो गई, नीचे दे रखा भाई इंजन का आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, इधर हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन, नीचे कुछ स्पेस है फोन वगैरह रखने के लिए, जिसके ऊपर भाई एक ग्रिप वगैरह रख लेना, टेक्सचर वगैरह दे रखा है। इधर मिल जाता है एक 12 वॉट का पावर सॉकेट, और ये है भाई इसका 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स, लेदर वगैरह इस पर दे रखा है। और इधर मिल जाती है भाई आपको इसकी हैंड ब्रेक के ऊपर क्रोम का एलिमेंट। इधर मिल जाते हैं भाई कप होल्डर्स दो, और ये भाई बेस मॉडल में आर्मरेस्ट भी आपको दे रखा है, और आर्मरेस्ट जो है ना भाई सॉफ्ट टच में स्टिचिंग वगैरह दे रखे डिज़ाइन के लिए, और इसके अंदर भाई कुछ स्पेस वगैरह भी है, और आर्मरेस्ट जो है ना भाई एडजस्टेबल भी है। ऊपर मिल जाता है भाई इसका आपको मैनुअली एडजस्टेबल IRVM डे एंड नाइट के लिए। वैनिटी मिरर देखते हैं, ड्राइवर साइड भाई वैनिटी मिरर दे रखा है, लैंप वगैरह नहीं है। को ड्राइवर साइड भी भाई वैनिटी मिरर दे रखा है, लैंप वगैरह इसमें भी नहीं है। एयरबैग की बैजिंग है इधर, और ये है भाई हेलोजन में इसके कैबिन लैंप, ठीक है। इधर देखते हैं भाई, ये है इसका भाई कुछ अच्छे खासे साइज का जो है ग्लव बॉक्स, तो करते हैं बंद। और ये भाई इधर दे रखी है ग्लॉसी सिल्वर की फिनिश, काफ़ी सही लग रहा है। उधर एक और AC वेंट हो गया। इधर हो गया भाई ये क्रैब हैंडल, ड्राइवर साइड नहीं है, को ड्राइवर साइड है। और इसकी सीट्स के बारे में बात कर लेते भाई एक बार। सीट्स जो है इसकी फैब्रिक में काफ़ी कंफर्टेबल है, और काफ़ी अच्छा जो इसका थाई सपोर्ट भी है। तो भाई ये हो गई इसकी फ्रंट की बात, अब चलते हैं भाई इसकी सेकंड रो में। चलते हैं भाई इसकी सेकंड रो में। दो ट्रिम की पहले बात करते हैं भाई। इधर भाई सॉफ्ट टच, ये पूरा पूरा हार्ड प्लास्टिक, ग्लॉसी सिल्वर में इधर फिनिश, क्रोम में इसका डोर हैंडल। इधर हो गया पावर विंडो का कंट्रोल, नीचे भाई बॉटल होल्डर, पीछे आपको कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं मिलते, स्पीकर जो है बस आगे मिलते हैं भाई आपको दो। और चलते हैं भाई इसके अंदर, और भाई सबसे पहले जो है सीट्स की बात करते हैं। थाई सपोर्ट जो है भाई बहुत अच्छा है, नी रूम भी अच्छा है, और लेव रूम भी भाई अच्छा खासा मिल जाता है। इतने मिल जाते हैं भाई आपको AC वेंट्स, और ये भाई ब्लोअर को एडजस्ट करने के लिए। नीचे कुछ स्पेस है भाई फ़ोन वगैरह रखने के लिए। नहीं, पीछे भाई आपको कोई भी पावर सॉकेट वगैरह नहीं मिलता। और ये जो हम्प है भाई ये भी जो है माइनर सही है, ज़्यादा नहीं है, 3 बंदे जो आराम से बैठ सकते हैं। ऊपर देखते हैं भाई, इधर मिल जाता है ये हेलोजन में लैंप, इधर हो गया ग्रैब हैंडल, और सेम टू सेम भाई इधर भी आपको लैंप और ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर।
पीछे भाई आपको तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं और तीनों तीनों जो है एडजस्टेबल है। और पीछे भाई बेस मॉडल में आपको ये दे रखा है आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के अंदर ही भाई कप होल्डर्स भी आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट जो है भाई सॉफ्ट मटेरियल में काफ़ी अच्छा इसका साइज़ है, मतलब हाथ को पूरा आराम मिल जाएगा। और भाई तीनों पैसेंजर्स के लिए इधर दे रखी है सीट बेल्ट, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और ये भाई पीछे की बात हो चुकी है, अब एक बार आपको दिखा दें इसका बूट स्पेस। और इसका जो भाई ये डोर है ना, ये भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है तो उतरने चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई बूट ओपन करने के लिए इधर देखा बटन प्रेस करो, बूट ओपन। तो भाई ये है इसका अच्छा खासा बड़ा जो है बूट स्पेस, 373 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है, यानी 373 लीटर्स का। और लैंप वगैरह देखते हैं, लैंप वगैरह तो नहीं है, इधर एक हुक दे रखा है, इधर भी भाई कुछ स्पेस वगैरह अपना सामान वगैरह रखने के लिए, इधर साइड भी दे रखा है। और अच्छा खासा जो है बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि बूट स्पेस कम है, तो भाई ये जो इसकी सीट्स हैं सेकंड रो वाली, ये जो है 60-40 के रेशो में जो है पूरी भाई आगे जो है फोल्ड हो जाती है इस तरह से, ठीक है भाई, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये जब आगे पूरी फ्लैट फोल्ड हो जाएंगी ना, तो एक अच्छा खासा आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाएगा। इधर देखते हैं भाई इसका स्पेयर व्हील, ये मिल जाता है भाई आपको इसका स्पेयर व्हील, सेम साइज़ अपोलो का इसमें भी टायर दे रखा है, 17 इंच का ही आपको इसमें स्पेयर व्हील मिलता है। ये हो गया भाई सेट, और इसको करते हैं बंद। और भाई पीछे आपको जो इसमें चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4। ये हो गई भाई इसकी बैक से भी बात, अब दिखाते हैं भाई आपको इसका इंजन कंपार्टमेंट। बोनट ओपन करने के लिए भाई इधर दे रखा बटन, ये है इसका भाई फ्यूल लिड ओपन करने के लिए। और इसमें जो है ना भाई आपको 45 लीटर का जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहाँ से किया भाई बोनट ओपन, तो भाई ये इसका इंजन, और इंजन में भाई ऊपर ये इंसुलेशन पैड वगैरह दे रखा है, और नीचे जो है भाई इंजन गार्ड वगैरह भी दे रखा है आपको बेस मॉडल में। और इसमें आपको मिलता है भाई 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन, जो कि जनरेट करता है भाई 101 bhp की पावर और 136 nm का टॉर्क। और भाई ये आपको 21 किलोमीटर पर लीटर का जो है माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। एक्साइड की दे रखी है इसमें बैटरी, और बोनट जो है भाई वो भी हैवी है। इसको करते हैं भाई बंद। तो भाई ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाईराइडर, ये इसका बेस वेरिएंट, ई वेरिएंट, मिडनाइट ब्लैक इसका ये कलर है। वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।